17 जुलाई को आपका WBJEE 2021 का एग्जाम है। आज से अगर देखें 16 जुलाई तक तो आपका 21 डेज बचता है, तो उसी का ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी की। लास्ट 21 डेज का क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज करके बहुत कुछ देख के ये स्ट्रैटेजी बनाया है। बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था कि भैया स्ट्रैटेजी से बताइए, हेल्प कीजिए, पता नहीं चल रहा है क्या करें क्या नहीं करें, ऊपर से पैंडेमिक ने और तबाही मचा के रखा है। तो चलो वीडियो को देखना, और पहली बार जो चैनल पर आए हैं, जो पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कि आपको ऐसे ही अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहे, साथ में आपको अच्छा वीडियो मिलता रहे। और कुछ क्वेरीज रहता है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम @edugadvq के हैंडल में, और DM कर सकते हो मुझे, आपका क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। रिप्लाई सबको मिलता है, थोड़ा सा देर हो गया लेकिन रिप्लाई देता हूं जरूर। तो चलो बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना और स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे बहुत सारा चीज़ें जो मैंने मीन्स आपको शॉर्ट करके लिखा है तो आपको समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को देखते रहो। चलो शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, विक दिस साइड वाचिंग @edugadvk। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 21 डेज का स्ट्रेटजी, जो कि है WBJEE 2021 के लिए। ये स्ट्रेटजी आपका एप्लीकेबल होगा बीटेक वालों के लिए भी, बीआर्क के लिए भी, बी फार्मा के लिए भी, जो सब देने वाले, सबका डाउट्स क्लियर होगा, और कैसे आपको फॉलो करना है 21 डेज तक वो भी आपको पता चलने वाला है। सो सबसे पहले यार कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सबसे डिस्कस करनी है कि WBJEE जो एग्ज़ाम है आपका, ये WBJEE आपका JEE मेंस नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे इससे JEE मेन की तरह ट्रीट करते हैं, पर ये JEE मेंस नहीं है। JEE मेंस में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत सारा आप टारगेट रख सकते हो 100% अटेम्प्ट करने का और 360 पे 360 मार्क्स अचीव करने का, बट WBJEE में आपका जो टाइम है वो बहुत कम मिलता है एज कम्पेयर टू JEE मेंस। यहाँ पे आपको 1.5 to 2 मिनट्स का एवरेज टाइम मिलता है एक पर क्वेश्चन पे, और इस पर 3 कैटेगरीज, जिसपे थर्ड कैटेगरी पे आपका एक से ज़्यादा आंसर मीन्स ऑप्शन सही होता है, जिसके लिए हाईली कंसेप्चुअल कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हर ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ता है। सो ये इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा एक अलग एज दे देता है। और आप JEE मेंस के लिए इसे प्रिपेयर करते हो, WBJEE के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजी वाइज प्रिपेयर करना बहुत जरूरी, स्ट्रैटेजिक। यहाँ पे हमको सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है, यहाँ में हमें इतना करना है कि हमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए, जो आपको JU CSE आप जो टारगेट करते हो वो आपको अचीव हो जाए, या तो कुछ ऐसा जो भी हो कि जो आपका दिल है, जो आपका है कि मुझे चाहिए ये, वो आपको मिले, आपका डिज़ायर पूरा हो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यार 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटेंगे। एक वो जिनका स्ट्रैटेजी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, एक्सट्रीम वाले हैं, जिनका स्ट्रैटेजी मॉडरेट, जिनका प्रिपरेशन मॉडरेट चल रहा है, मॉडरेट स्टूडेंट्स एवरेज, एंड जो जिन्हें जिनका कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, जो अभी अभी जिन्होंने बहुत कुछ दिन कुछ समय पहले शुरू किया है, उन सब के बारे में बात करेंगे, उनको क्या फॉलो करना चाहिए अभी 21 डेज तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो यार कि डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में वीडियो बहुत पहले से बता दिया है, बना दिया है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तीनों वीडियो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथ्स का, ये तीनों वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं वीडियो मीन्स यूट्यूब में, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, साथ साथ आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, देखोगे तो आपको डिटेल में ये चीज़ पता चलेगा जो मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है, जो आपको अगर डिटेल में जाना हो तो जाकर देख सकते हो, और नहीं देखे हो तो देख लेना। और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा उससे रिलेटेड कुछ बातें, जो आपको बताएगा कि कितना पोर्शन करने से आपका अभी जो 21 दिन में बहुत ज़्यादा आपका जो इनपुट, जो आप यहाँ हो तो आप यहाँ जा सकते हो, स्कोर आपका बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो ये आपको पता होगा 50-50 का मार्क्स का रहता है, और टोटल 40-40-80 क्वेश्चंस रहते हैं, 40-40-80 एंड टोटल 50 मार्क्स। हम लोग को यहाँ 40 में से टारगेट करना है 25 क्वेश्चन, और यहाँ 40 में से टारगेट करना है 25 क्वेश्चन, जो कि अप्रॉक्स 30-30 मार्क्स और टोटल 60 मार्क्स ये आपका कवर अप कर देगा। 40 में से 25 क्वेश्चंस किसको किसको कर 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 सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स करते हो, एटम्स न्यूक्लियाई हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आपका ज़रा मैटर का जितना भी है, यंग्स मॉडल्स वगैरह जितना भी है सारे आते हैं जो, और थर्मोडायनेमिक्स और मोशन, ये अगर टॉपिक्स अब बस इतना कर लेते हो, इतना टॉपिक्स कर लेते हो, तो आपका
25 क्वेश्चंस में पकड़ हो सकता है, इससे ज़्यादा। ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो का केस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे वर्स्ट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बस इतना ही करके। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, डी एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, रेडॉक्स रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत ईजी रहता है, एनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ कुछ बात कर ले कि बहुत बच्चे केमिस्ट्री में ऐसा होता है जिनको थोड़ा सा, भैया मुझे ऑर्गेनिक बहुत पसंद है, किसी को ऑर्गेनिक पसंद नहीं है। तो जिनको ऑर्गेनिक पसंद नहीं है वो ये वाला कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैटर सरफेस वाला केमिस्ट्री जो है अपना, पोर्शन वाला, स्टार्टिंग वाला, और जिसे पसंद है वो इसे स्किप करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना आपका क्या बोलता है एसिड वाला जो आपका एल्डिहाइड वगैरह जितना भी ग्रुप्स टॉपिक्स है वो आप करके जा सकते हो, दोनों का वेटेज बराबर में ही रहता है। तो बस इतना करोगे तो आपका 25 क्वेश्चंस यहाँ पे भी हो जाएगा, तो टोटल 60 मार्क्स, जस्ट 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स आप कवर कर सकते हो बस इतना टॉपिक सर के। क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रैटेजी देखोगे मेरा वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा गैप्स वहाँ मैंने हर एक पोर्शन हर एक ईयर पर बताया है, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। इसलिए मैं यहाँ वेस्ट नहीं कर रहा हूँ टाइम आपको बता के। मैथ्स की बात कर लेते तो मैथ्स में तो और भी कम है यार, सेट्स एंड रिलेशन सबसे अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसीलिए। और अब इतना करोगे तो आप 45 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो, विच इज़ अप्रॉक्स 60 मार्क्स। तो अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो यहाँ 60 टोटल 120 मार्क्स आपका कवरअप हो चुका है जस्ट ये टॉपिक्स करके। अब डिपेंड करता है अब इसके आगे जो करते हो वो आप इस पर एड ऑन करते हो। यहाँ बात एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है क्या कि हम बता देंगे, आप ऐसा स्ट्रेटजी बहुत सारा देखे होगे, ऐसा स्टडी बहुत सारा देखा होगा, बात यहाँ ये रहता है मैं बता दे रहा हूँ आपका 120, बट बच्चा अगर करेगा वो अगर करेगा तो उसका हो सकता है 120 की जगह आए क्या 90-60 और उससे भी कम। क्यों? क्योंकि उसका एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। मैं ये बता रहा हूँ यार किस सिनेरियो पे आपको बता रहा हूँ कि आपका 100% एक्यूरेसी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है, है ना, जीरो तो नेगेटिव नहीं है, तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल गए होंगे। अब यहाँ बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस की कि आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो क्वेश्चंस रहता है, तो 1 मार्क्स जो आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है। अगर आपका 1 मार्क्स क्वेश्चंस बहुत लंबा जा रहा है तो मत समझ लो कि आपका मैथड रॉन्ग है, ये स्ट्रेटजी जानने का, वो शॉर्ट रहता है और इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। वेरस 2 मार्क्स क्वेश्चंस शॉर्ट रहते हैं बट हाई लेवल या मॉडरेट लेवल के होते हैं, वेरस जो लॉन्ग होते हैं 2 मार्क्स खास करके मैथ में मैट्रिसेस वगैरह का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग होता है बट इजी होता है, ठीक है, इजी। वो आपका टाइम बस ब्रेक करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि टाइम निकले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो मेन स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट एंड रिवीजन ध्यान देना, कंसेप्ट एंड रिवीजन पे बात कर रहे हैं। कंसेप्ट एंड रिवीजन क्या है कि कंसेप्ट आपको क्या समझना है, क्या समझे, क्या वहाँ पे बताया जा रहा है, किससे कैसे आपको रिलेट करना है। एंड रिवीजन इज यू नो रिवीजन। सो जो वीक बच्चा है उसको अभी 60% अपना टाइम का कन्विंस कंसेप्ट को देना चाहिए, 40% रिवीजन को देगा, बट मॉडरेट जो है वो 50-50 लेकर चलेगा, वेरस हाई 30-70। रिवीजन का अमाउंट टाइम टू टाइम बढ़ते जाना चाहिए, जैसा आपका एग्जाम आते जा रहा है रिवीजन का लेवल बढ़ाते जाना चाहिए, ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो तो वो एक बेकार स्ट्रैटेजी, वो आपका एग्जाम के टाइम में काम नहीं करेगा, आप करके देख सकते हो। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए एंड शॉर्ट मेथड्स। शॉर्ट नोट्स तो समझ में आता, शॉर्ट मेथड का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही शॉर्टली मेथड बनते हैं, खास करके WBJ में जो टाइम बॉन्डेड एग्जाम है यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा आपको। तो इसका आपको एक लिस्ट बनाकर रखना जरूर चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है। इसके बाद बारी आता है आपका टेस्ट का, तो टेस्ट आपको मॉक्स या PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने चाहिए। आप डेली 1 से 2 सेट कर सकते हो, बट मेरा एडवाइस आपको रहेगा कि जब आपका लास्ट 5 डेज बचा रहेगा टेस्ट का मीन्स एग्जाम का, जो कि आपका 17 है, तो आपका 12 मान के चलो, तो 12 तारीख 11 तारीख के बाद आपको हर दिन मैक्स टाइम आपको टेस्ट में देना चाहिए, जो कि आपका हो सकता है 3-4 पेपर भी चले, टेस्ट में आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। और अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो यार, आपको लिंक मिल जाएगा, वो क्रैश कोर्स है मैथ का, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बॉन्डेज नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है। प्लस क्वेश्चन ये होता है कि भैया आप करें कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बना लें बट बाकी सारा कहाँ से क्वेश्चन लाए, मॉक्स कहाँ से लाए। तो आप किसी भी कोचिंग का अगर प्रिपेयर कर रहे हो, कोचिंग से लेकर या तो आप जेई मेन्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो एग्ज़ाम है उसका जो आपका मॉक है वो भी इसके लिए काम कर सकता है, ठीक है। आपका बस मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एनफ है, ठीक।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो उसके साथ, जेई का मॉक्स प्लस प्रीवियस ईयर आपका जो वेव जी का है, तो इनफ है अगर आप अच्छा से करते हो तो। टारगेट अपना है यार जेयू, उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे देता हूँ कि टिप्स क्या है कि फिजिक्स में जो होता है मेनली कंसेप्चुअल बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो आपका फॉर्मूला बेस्ड रहता है, एक से एक कनेक्टेड फॉर्मूला बैठाओगे आपको मिल जाएगा। बट वहीं अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बहुत बच्चा केमिस्ट्री से डर जाता है और वो केमिस्ट्री पढ़ता नहीं है क्योंकि उसे आता नहीं है वो, मतलब बहुत कोई होता है केमिस्ट्री समझ नहीं आता, बाहर रटेंगे नहीं। बट अगर इस एग्जाम में अगर आप केमिस्ट्री को छोड़ते हो यार, ये आपका बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ बहुत ही ज़्यादा ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है दोनों पार्ट के लिए, वन और टू दोनों के लिए। और वेर इज मैथ्स ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैथ्स में थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा होते हैं, 50-50% के होते हैं। तो मेन ध्यान आपको मैथ्स में देना है। जेई का अगर आप पेपर देखोगे तो वहाँ से आप फिजिक्स केमिस्ट्री को जज कर सकते हो, मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मैथ्स का थोड़ा सा लेवल, खास करके इंटीग्रेशन वगैरह में इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो आई होप आपको बात समझ में आ रहा हो कैसे आपको करना है। तो आपको अभी कंसेप्ट में ध्यान देना है जितना आप कर सको, ये सब टॉपिक्स को आपको जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करना है और रिवीजन साथ साथ लेके चलना है। जैसे आपका समय बढ़ते ही जाएगा, जैसे कि आपका 10 डेज खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको रिवीजन का अमाउंट और बढ़ाना है, और आपका जब 5 डेज लास्ट का रहेगा तो उस समय टेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करना, बात करेंगे उसके ऊपर भी। और मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स एग्जाम के पहले आपको क्या ध्यान रखना है WBJEE में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक फ्रेशर हो तो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, कोरोना चल रहा है भूलना मत, ठीक है, और सेफ्टी रखना और पढ़ाई पर भी ध्यान देना। चलो